वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए रॉयल एनफील्ड की जो भी गाड़ी आएगी अभी आने वाली है हिमालयन 450 जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो मैं आपको वो भी वीडियो में लेके आऊँगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ ये वीडियो। अब ये जो सामने देख रहे हो ये आपका 650cc इंजन है जो कि आपको ट्विन इंजन देखने को मिलेगा प्लस दो डबल साइलेंसर आप देख रहे हो ये देखने को मिलेगा। मैं बात करूँ आगे से शुरू बात करता हूँ आगे आपको ये टेलीस्कोपिक जो देख रहे हो सॉकर ये आपका ट्विन्स ऑब्जर्वर सॉकर है जो कि आपको मिलेगा। प्लस आपको इसमें जो देख रहे हो ये आप जो भी आप मॉडिफिकेशन देख रहे हो ये जब सब एक को आपको अल्मोनियम कास्ट का मिलने वाला है। और मैं लाइट का बात करूं तो ये लाइट आप देख रहे हो एलईडी लाइट का साथ में मिलेगा, कुछ इस तरह का लाइट का डिज़ाइन रहेगा, बहुत ही खूबसूरत ब्लू लाइट आपको देखने को मिल रहा है जो एलईडी लाइट है बहुत ही खूबसूरत है। और मैं बात करूं इंडिकेटर लाइट आपको देखने को कुछ इस तरह मिलेगा, इसमें भी आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। और बात करूं ये आपका मड गार्ड है आगे का, इसमें आपको मड गार्ड में एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि कहीं आपको यदि कहीं हाईवे में चलते तो ये वाइब्रेशन ना करे और पकड़ कर रखे। और फर्स्ट टाइम ये 650 में आपको अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है जो अभी आगे का अलॉय व्हील देख रहे हो, ये आपका अलॉय व्हील कुछ इस तरह का डिज़ाइन का रहेगा वो जो सामने देख रहे हो आप। 100x90 का टायर साइज़ है। और आप बात करूँ आगे रिम का साइज़ 19 इंच का रिम का साइज़ आपको देखने को मिलेगा। और बात करूँ आपका ये जो देख रहे हो रेडिएटर देखने को मिलेगा, इसमें जो रेडिएटर आपको यदि आप हाईवे पर चलते हो हाई स्पीड चल रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस चल रहे हो तो आपको बहुत जल्दी आपको ये मोबाइल को ठंडा करेगा और इंजन आपको हीट होने नहीं देगा। और अभी बात करूँ मैं आगे का इधर आपका हैंडल का, तो हैंडल में कुछ इस तरह का आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो देखने को मिलेगा। और मैं बात कर रहा हूँ तो ये हैंडल ग्रिप पे इसमें रॉयल एनफील्ड का लोगो देखने को मिलेगा। प्लस स्विचेस जो देख रहे हो इसमें कुछ लग्जरी स्विचेस मतलब डिजाइन दिया हुआ, प्लस अभी जो देख रहे हो क्रोमिक फिनेंस में आपको जो एलुमिनियम बेस का देख रहे हो ये दिया हुआ जो आपको बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह देख रहे हो इस तरह का बटन देखने मिलेगा। और मैं बात करूँ मिरर का तो ये आपका बहुत ही मजबूत मिरर है, जो पुराने जो बाकी गाड़ी में आती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं बात करूँ आगे ये आपका स्पीडोमीटर का, तो स्पीडोमीटर कुछ खास इस तरह का रहेगा 200 का किलोमीटर स्टॉप स्पीड दिखा रहा है, गियर स्पीड शिफ्टिंग दिखाएगा, टाइमिंग दिखाएगा, ट्रिप ऐप दिखाएगा। प्लस इसमें एक आपको नेविगेशन ट्रिपर मिलेगा जो कि आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद यदि आप इसमें चाहते हो कि वीडियो बनाने से कमेंट में मुझे बताएं कि कैसे कनेक्ट किया जाता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में। और मैं बात करूँ मेरे स्विचेस तो ये आपको स्विच से एक्स्ट्रा दिया हुआ गया हुआ जो आपका ये सेल्फ स्टार्ट क्लिक बटन है, 1000 लाइट इसमें दिया होगा इससे आप 1000 लाइट ऑन कर सकते हो। कुछ इसमें भी मेरा कुछ ये आपका देख रहे हो कुछ स्टाइलिश ये क्रूजर टाइप का हैंडल दिया हुआ जो आपको एक अच्छा पोस्टर देगा चलाने में। मैं बात करूँ टैंक का तो ये आपका जो टैंक देख रहे हो ये आपका लगभग 15.5 लीटर का टैंक दिया गया, प्लस आपको ये कुछ इस तरह का टैंक है जो कि आपको यहाँ ऑयल भराता है जो कि है। और मैं बात करूँ कोई आपका ये तो आपका ये कुछ लोगो है जो कि बहुत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा लोग जो होता है कि मतलब एट्रैक्शन लोगो कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा। और मैं बात करूँ उनका सीटिंग ये कुछ इस तरह का सीट आपको देखने को मिलेगा, लेदर सीट है और इसमें आप कस्टमाइज सीट करवा सकते हो। और मैं बात करूँ पीछे का तो पीछे कुछ इस तरह का आपको टेल लैंप देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत टेल लैंप दिया हुआ। और इसका जो पीछे का जो मड गार्ड देखो बहुत चौड़ा है, देखते हो आप कुछ इस तरह का देख रहे हो बहुत ही अच्छा ग्रिप है। मैं बात करूँगा पीछे का टायर का तो पीछे का टायर आपको बहुत ही वाइड टायर आप देखने को मिलेगा, ये आपको C8 का टायर है जो आप देख रहे हो। प्लस इसमें आपको जो पीछे का जो अलॉय व्हील देख रहे हो ये अलॉय व्हील आपका साइज़ जो रहेगा 100 आपको जो मिलने पीछे 16 इंच का रिम साइज़ देखने को मिलेगा, 150/80 का आपका टायर का साइज़ है। और जो पीछे देख रहे हो ये वाइवेरी का डिस्क है, डबल डिस्क में आपको देखने मिलेगा, ये आपको सॉक ऑब्जर्व कर देख रहे हो ये सॉकर है आपका जो बहुत ही कम्फर्ट पोजिशन आपको देगा राइडिंग चलाते समय आपको। और कुछ इस तरह आपको डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूँ प्राइस का इसमें तो प्राइस आपको अप्रोक्स जो मिलेगा देखने को ये प्राइस आपको 3,69,000 जो एक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड आपको जो पड़ेगा लगभग 4,26,000 आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ मैं आपको इसका लाइटिंग का जो इस तरह का है, और मैं आपको शुरुआत करता हूँ इसका इंजन वॉइस मैं दिखाता हूँ इसका इंजन वॉइस किस तरह आपको लगेगा देखने को। ये रहा आपका स्विचेज इस तरह का आपका हुआ। इसका एग्जॉस्ट नोट का है, लाइट आपने मैंने दिखा दिया। यदि आप ये गाड़ी का लेने चाह रहे हो तो आपको ये 6 मंथ का वेटिंग पीरियड है, प्लस आपको 3,69,000 एक्स शोरूम प्राइस है
और 4,26,000 आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। यदि आपको ये कलर बहुत पसंद है तो आप ये जाके बुकिंग करवा सकते हो शोरूम में, आपको वेटिंग पीरियड बता ही दिया। और फाइनेंस का प्रोसेस भी जानना चाहते हो तो आपका जो जैसा आपका प्रोफाइल रहेगा उस हिसाब से आपको आराम से आपका फाइनेंस हो जाएगा। फिलहाल आपका ये गाड़ी मैंने ऑन रोड बता दिया, आपको ईजी अवेलेबल हो जाएगा। बुकिंग पीरियड जरा लंबा है, बट यदि आप लेना चाह रहे हो तो आप बुकिंग करवा के गाड़ी ले सकते हो। कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताएं कमेंट में, जो कुछ और जानना हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।